क्या अमेजोन अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अमेजोन बिल्कुल लॉन्च कर सकता है अपना यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अपना खुद का यूट्यूब वो लॉन्च कर सकता है अमेजोन ट्यूब के नाम से। ये बिल्कुल खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा। मेरा नाम है मनीष और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मनी मनीष में। दोस्तों जो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दोस्तों ये खबर आप देख सकते हैं, व्हाई वुड अमेजोन लॉन्च इट्स ओन यूट्यूब। टू अंडरस्टैंड व्हाई अमेजोन वुड वांट टू इट्स ओन वर्जन ऑफ यूट्यूब, यू हैव टू गो टू सितंबर। दिस वाज व्हेन द आर्गुमेंट बिटवीन अमेजोन एंड गूगल बिगेन टू एस्केलेट। क्या दोस्तों, सितंबर में अमेजोन और गूगल के बीच में बहुत कुछ बहस हो गई और ये समझ लो मोटे मोटे तौर पे कि उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी सितंबर में, जब अमेजोन ने अपना प्रोडक्ट फायर स्टिक को अपना लॉन्च किया था। तो गूगल ने उनके फायर स्टिक में से यूट्यूब को हटा दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो जो अमेजोन फायर स्टिक है वो एक टीवी डोंगल निकाला था अमेजोन ने अपना प्रोडक्ट, जिस वजह से दोस्तों उन्होंने अपना पुल आउट कर दिया था वहां से। और उस वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम हुई और उस टाइम पे ही गूगल सॉरी अमेजोन को रियलाइज हुआ कि उसको खुद को अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। तो उन्होंने पेटेंट करवा लिया दोस्तों, अमेजोन ने पेटेंट करा लिया। देखिए मैं बता रहा हूँ ये रिपोर्ट में, दिस लीड टू अमेजोन यूट्यूब। ठीक, द फॉलोइंग दिस अमेजोन फायर स्टिक नो यूट्यूब इशू, अमेजोन मेड some moves in may be launching its own YouTube. According to Philip Swan, back in December, the Jeff Bezos own company filed trademark request for Amazon Tube and Open Tube. He note that though Amazon doesn't specifically mention YouTube in application, the name and description for them sound very similar to YouTube. तो दोस्तों ये बात है जिस वजह से YouTube Amazon अपना खुद का YouTube स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों ये खबर बिल्कुल सही भी है और जहां तक ये ऐसा ही होने वाला है, बट ये क्यों हो रहा है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, और इसका एक और कारण है कि अमेजोन जो लॉन्च करेगा ये सही टाइम, क्योंकि दोस्तों अभी यूट्यूब ने बहुत सारी अपनी पॉलिसी में बदलाव किए हैं, बहुत सारी चेंजेस किए हैं, जिसके कारण क्रिएटर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यंग क्रिएटर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम पे, और जो एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी वो भी कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अमेजोन सॉरी यूट्यूब ने एक शर्त लगा दी है दोस्तों, एक रूल निकाल दिया है नया, ये बोल सकते हो आप कि अगर आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 आवर्स का अगर आपके पास वॉच टाइम नहीं है प्रीवियस ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर में आपके पास्ट लास्ट ईयर में, तो आपको मोनेटाइजेशन को वो कैंसिल कर देंगे, यानी जो आपको एड से जो अर्निंग हो रही थी जो यूट्यूब से वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि अगर अमेजोन अपना यूट्यूब लॉन्च कर देता है इसी टाइप का, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों और ये बेनिफिशियल होगा न्यू क्रिएटर्स के लिए, यंग क्रिएटर्स के लिए जो बहुत अपनी क्रिएटिविटी को शो करना चाहते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है दोस्तों, पर ये जहां तक प्लानिंग हो गई है और जहां तक ये हो सकता है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इसमें होगी आगे अमेजोन ला सकता है, क्योंकि अमेजोन भी बहुत बड़ी एक गूगल के बाद में कंपनी मानी जाती है दोस्तों। गूगल अमेजोन की टक्कर होती है तो दोनों ही बड़ी कंपनी टेक कंपनी है अमेरिका की। तो दोस्तों ये खबर थी आपको पहुंचाने की और उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो वेट कीजिए दोस्तों अमेजोन ट्यूब का, हम भी वेट करेंगे, आप भी वेट कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा लेके आएगा और सबके लिए अच्छा होगा। हालांकि दोस्तों कोशिश तो सब कर रहे हैं अपने यूट्यूब को डीमोनेटाइजेशन से बचाने की, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है,
कि आप अपने YouTube चैनल में मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। तो 20 फरवरी के बाद से ये सब स्टार्ट होगा, अब तो देखना है दोस्तों। वैसे तो मेल सबको पहुंच गया है दोस्तों, जो जो एलिजिबल नहीं है सबको मेल पहुंच गया है। और दोस्तों तो आगे फिर देखेंगे क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।